YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शाबाश और आइंदा भी ख्याल रखना। बहुत अच्छा अम्मी, थैंक यू बेटा। चलिए सवाल पूछिए। बाल मैडम हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ये मंजन वंजन का बेचना, ये मंजन तो बहुत अच्छी चीज है, सुबह कर लें तो मुंह से बदबू नहीं आती, पुराने जमाने के लोग करते थे, अभी पेस्ट आया है। आती हूँ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है कराची की, उस पे क्या इकदाम कर रही है, बिकॉज लोगों में बहुत खौफ और हरास है, स्पेशली जो लोग रहते हैं समंदर के करीब, और समंदर की लहरें देखते हुए पता चल रहा है कि ये कोई एक आम सा तूफान नहीं है, ये काफी जोर का हिट करने वाला है। एक बात बताऊं, समंदर के किनारे पे हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का मजार है, वो ठीक है, बिल्कुल वजह से हम आज तक बचते आए, लेकिन ये 1920 सिर्फ यही नहीं, तूफान आने के इम्कान को संजीदा लेने के बजाय मजाक बना लिया। स्पीकर साहब ने तबसरा करते हुए नीलोफर तूफान को नीलोफर खातून से कुछ यूं जोड़ा। नीलोफर गुलशीक, यू डोंट नो हु नीलोफर इज? यहाँ कोई मेंबर तो नहीं है नीलोफर के नाम से? यू शुड नो, एवरीवन नोज व्हाट नीलोफर इज। नहीं मुझे नहीं पता। इट्स अ स्टॉर्म व्हिच इज हेडिंग कराची, व्हिच इज गोना बी हिटिंग कराची वेरी सून। लेडी का नाम हो सकता है? मुझे नहीं पता कि औरतों का नाम क्यों रखा जाता है, क्योंकि शायद इट्स वुमेन पावर व्हिच पीपल आर स्केयर्ड ऑफ। कहते हैं कि नाम इसलिए, कोई नीलोफर होती थी एक जमाने में, बहुत पावरफुल औरत होती थी। और तो और स्पीकर साहब ने तूफान से बचने का अनोखा मशवरा भी दे डाला। घबराए नहीं, इस दफा भी हम बचे। घबराने की बात अगर नहीं है, किसी को घबराने हैं तो अंदरूनी सेंस चला जाए। नहीं, इस सूरत हाल पर तो यही कह सकते हैं कि जब रूम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था, लेकिन जब कराची में नीलोफर आने का खतरा मंडला रहा है तो स्पीकर साहब भी चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। डिजाइन चेंज भी हो जी। शीरी मजारी साहब, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि दिस जो दिस बिल द वे इट्स रिटन इज रॉन्ग, इसका टाइटल ही गलत है, स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट। ये कमेटी में है। नहीं, बट टाइम मजाक क्यों उड़वा रहे हैं आप? नहीं, आप उड़ाने दे। इसका अगर आप पढ़े 4B and C, हेवन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन स्मगलिंग है, माइग्रेंट्स आर नॉट इलीगल। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर लैंग्वेज तो सही बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, दिस इज योर ओपिनियन। मैंने आपके एफआईआर वालों को भी कहा था, दिस इज बिल इज अ जोक, कल आपके एफआईआर वालों को कहा था इसको ठीक करके। दिस इज व्हाट यू थिंक, अदर्स डोंट थिंक दिस। लुक एट आर्टिकल 4B and C। अच्छा चले, तशरीफ रखें जी। शेख सलाउद्दीन साहब, शफकत साहब कुछ समझाइए, असद उमर साहब समझाइए जी। शेख सलाउद्दीन साहब, जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो एक वर्ड स्पेंच करते हैं इसमें से। इन्होंने कहा यार ये कर दें स्पीकर साहब। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये नहीं है यार। किसको यार कहा? आपको। डॉक्टर साहब ये एक्सप्लेन करें आपने मुझे क्या कहा। ये इन्होंने बड़े, प्लीज शेख साहब, इन्होंने बड़े फ्लुएंट अंदाज में। नहीं, आपने क्या कहा? मुझे रिकॉर्डिंग यहाँ करवानी पड़े, टेप पे चलानी। आपने क्या कहा डॉक्टर साहब, प्लीज जरा डॉक्टर साहबा का माइक खोले, बल्कि आसपास के भी माइक खोल दें। डॉक्टर साहब, आपने मुझे यार, मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। मेरी मजाक कहा है? किसको यार कहा? ये कह रहे हैं आपने मुझे कहा है। मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूं। मैं इसको डोंट थिंक सो। मैं कमेटी में, आपने अभी फिर क्या कहा?
माइक खोलें इनका, प्लीज खड़ी हो जाए। आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा मैं आपको क्यों इस अल्फाज से मगर आपने फिर आगे कह दिया, फिर कह दिया मैंने वो वर्ड ही नहीं। आपको गवाही मैं चाहिए तो अपने दोनों आसपास जो हैं, जो पीछे दो बैठे हंस रहे हैं ना, असद उमर साहब और शमकर, उन पे मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ, आप पे मैं क्यों करूंगी? नहीं, उस पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। बहरहाल शी इज माई कोलीग एंड लाइक अ फ्रेंड। नहीं ठहर जाए जी, कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को इतराज है इस पे। जी माइक खोले। सर अगर पीछे वालों से यारी हो सकती है तो आगे वालों से यारी क्यों नहीं हो सकती? ये अपना डॉक्टर साहब, ये आपको उस कैटेगरी में नहीं गिनती। अपना नवाब यूसुफ तालपुर साहब, आप भी उस कैटेगरी में नहीं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी का ज्यादा हक होता है। ये जी कह रहे पड़ोसी सबसे ज्यादा डिजर्विंग है, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दीज वर्ड्स, बट आई विल टेक इट इन अ लाइटर वे एंड बट डोंट से इट अगेन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। जी जी शेख्स, नो आई डेयर नॉट। नहीं नहीं, प्राइवेटली भी ना कीजिएगा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, मैं आपको बड़ी बहन समझता हूं। बस मैंने ऑब्जेक्शन, मैंने आपका आईडी कार्ड चेक किया हुआ है, आपका आईडी कार्ड चेक किया, एज चेक की हुई। चले छोटी बन जाइए, छोटी बहन बन जाइए, छोटी बहन बन जाए, और बहुत छोटी, बहुत ही छोटी। कुलीग्स बेहतर रहेगा वही।